उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए हैं। आपको बता दें कि एक स्पष्ट प्रशंसा पत्र वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मुझे एक आकस्मिक मामले के कारण मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जो कि अन्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं थी जिनका समाधान किया जाना था। उन्होंने कहा कि मेरी देखभाल बहुत ही तत्परता से की गई है। उन्होंने कहा कि मैक्स हॉस्पिटल में प्रदान की जाने वाली चिकित्सा देखभाल के साथ ही आतिथ्य और सहायता सेवाओं में सकारात्मक प्रगति पर भी जोर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हॉस्पिटल में प्रदान की गई व्यापक सेवाओं के लिए अपनी सराहना व्यक्त की है। मैं 6 दिन पहले एक एक्सीडेंटल केस के रूप में यहाँ भर्ती हुआ था और थोड़ी दूसरी प्रॉब्लम भी जनरेट हो गई थी, जिनमें वोमिटिंग टेंडेंसी का बने रहना, पेट में कॉन्स्टिपेशन और उससे रिलेटेड बहुत सारी और प्रॉब्लम्स। यहाँ आने के बाद बहुत प्रॉम्प्टली मुझे ट्रीटमेंट दिया गया और आज 5वें दिन डिस्चार्ज हो गया। सबसे बेहतर बात यह है कि यहाँ के जो सर्विसेज हैं उनमें दिन प्रतिदिन बहुत सुधार आ रहा है। मैं पहले भी यहाँ पर भर्ती हुआ हूँ, लेकिन निरंतर न केवल सर्विसेज में सुधार है बल्कि जो सपोर्टिंग स्टाफ है पूरे का पूरा मेडिकल स्टाफ के साथ साथ उनकी क्वालिटी आधी आधी में भी जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो देहरादून के लिए एक अच्छी बात है। मैक्स हॉस्पिटल अपने नाम के अनुरूप जो है आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। अब मैं यहाँ के सारे स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ से लेकर के सपोर्टिंग स्टाफ से लेकर के मेडिकल स्टाफ तक, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ तक, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।